तो भाई कैसे हो? तो BGMI वापस आने वाला है बस 3 महीने के लिए। यस, बस 3 महीने के लिए आने वाला है, फिर क्या होगा किसी को नहीं पता। तो फिलहाल के लिए रूल समझ लो, क्या होने वाला है वो समझ लो। तो पहले तो पबजी बैन हुआ था उसके कुछ डाटा लीक्स वाले इशू के वजह से। क्राफ्टलैंड वही चाइना के साथ कुछ कर रहा था, इसलिए बैन हो गया हमारा पबजी। लेकिन फिर जब क्राफ्टन को होश आया तब क्राफ्टन ने इंडिया की तरफ सोचा और इंडिया के लिए स्पेशली BGMI बनाया। लेकिन वो भी कुछ खास कर नहीं पाया क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि ये वायलेंस को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कंसेप्ट भारतीय नहीं है, हमारी सोच से मेल नहीं खाता है। अनेक गेम्स के कंसेप्ट या तो वायलेंस या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनाते हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट को लगा कि इस गेम को एक चांस देना चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए BGMI को अनबैन करने की घोषणा की है। तथा फुल्ली ऑफिशियल लीक फीक आ गया है कि या BGMI 3 महीने के लिए आने वाला है और BGMI में फिर देखा जाएगा कि कोई वायलेंस घटता है कि नहीं, कोई छत से कूद रहा है कि नहीं, कोई मर रहा है कि नहीं, कोई अपने मम्मी पापा का पैसा उड़ा रहा है कि नहीं, सबके सब ठीक है, सबके सब संस्कारी हो रखे हैं, तो क्या BGMI को फिर परमानेंटली अनबैन कर दिया जाएगा। तो इसलिए बस 3 महीने के लिए आप लोग को मिलेगा BGMI, खेलो मजे लो, लेकिन 3 महीने के लिए कोई भी दंगा वंगा मत करना। और जो BGMI इतने दिन तक कतई डेड हो पड़ा था, कोई अपडेट नहीं कुछ नहीं, बस पड़ा है गेम, खेलना चाहो खेल लो वरना ना खेलो, क्राफ्टलैंड को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या अब उसके अंदर कुछ नए नए अपडेट्स आएंगे। फिलहाल के लिए तो ये अपडेट आएगी कि आप ज़्यादा देर तक गेम खेल नहीं पाओगे। आपने पकड़ लो कि एक एरेंगल खेला, बहुत ही बड़ा मैच होता है तो एक एरेंगल खेला, उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना पड़ेगा। आपको नहीं मिलेगा, गेम आपको खेलने नहीं देगा, BGMI आपको बता देगा नहीं खेल सकते हो, आपको पहले रेस्ट लेना है, अपने दिमाग को ठंडा करना है, फिर जाके आगे बढ़ो, आगे जाके गेम खेलो। या मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन सब आएंगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, गेम्स खेलो, मचे लो, दुनिया का आनंद लो, या क्या सोच है ना। तो या सब कुछ बढ़िया है, गवर्नमेंट ने एकदम बढ़िया काम किया है, मजा आने वाला है। तो या वीडियो इतना ही था, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, गुड न्यूज दो और मजे लो। वर्चुअल डिजिटल ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं।